नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सारा परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि दिल्ली के अंदर अगले महीने एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और आज जो नरेला वार्ड नंबर एक से जो प्रत्याशी खड़ी हैं श्वेता खत्री, आज उनके कार्यालय पर जो है हवन का आयोजन किया गया है। और अगर आप देखेंगे तो जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो सारे यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं और यहाँ पर आकर उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो मैं उनसे जानूंगी और पूछूंगी कि क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है उनको। सर, क्या नाम है आपका? सर, क्या कहना चाहेंगे, जो टिकट दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से श्वेता खत्री जी को? आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत बढ़िया काम कर रही है। भ्रष्टाचार और बेईमाना, इनको बचाओ और दिल्ली को बचाओ। क्या कहना चाहेंगे, इस बार किसकी लहर है, कौन जीतेगा इस बार एमसीडी में? केजरीवाल की लहर है, आम आदमी पार्टी जीतेगी। वार्ड नंबर एक से जो है श्वेता खत्री को टिकट दी गई है, अगर आप हो गया है, मैं लोगों से पूछूंगी जितने भी समर्थक आए हैं एक से श्वेता हुई है, क्या लगता है उम्मीदों पर खड़ी उतरेंगी वो? बस यही लगता है, इसमें आप पार्टी जीतेगी और एक तरफा जीतेगी। लोगों की तमन्ना है कि एमसीडी में केजरीवाल को लेके आओ, ऊपर से हम बहुत दुखी हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं एमसीडी को केजरीवाल को भी दो। टिकट दी गई है श्वेता खत्री को, क्या क्या कहना चाहेंगे, कितनी उम्मीदों पर खड़ी उतरेंगी वो, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को यहाँ से उन्होंने टिकट दिया है। देखो, श्वेता खत्री को टिकट आम आदमी पार्टी ने दिया है कि जो समस्याएं एमसीडी की रही हैं, एक तो भ्रष्टाचार जो एमसीडी का रहा है और सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हो रही है, पूरे 15 साल से एमसीडी में बीजेपी रही है यहाँ पे, तो उसी के खिलाफ पार्टी ने देख के श्वेता का चुनाव किया है, जो निष्पक्ष और एक तरफा जीतेंगे यहाँ से। तो जो 15 साल से बीजेपी राज कर रही थी एमसीडी में, क्या लगता है इस बार आपकी सरकार बनेगी एमसीडी के अंदर? बिल्कुल सरकार बनेगी 100%, अरविंद जी ने बोला ना बीजेपी की 20 सीटें आएंगी बस इस बार। तो इस बार पक्का है, झाड़ू है नरेला के अंदर? बिल्कुल झाड़ू है, पांचों वार्ड नरेला के अंदर झाड़ू है। वार्ड एक से श्वेता खत्री खड़ी है और आज यहाँ पर विधायक शरद चौहान पहुँच गए हैं उनके समर्थन देने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है कि वार्ड एक से टिकट दी गई है श्वेता खत्री को और आज विधायक जी आ पहुँचे हैं हवन कार्यक्रम में। तो विधायक, वार्ड एक से श्वेता खत्री को जो टिकट दी गई है, तो कितना आम आदमी पार्टी को उम्मीद है उनसे, क्या वो उन उम्मीदों पर खड़ी उतरेंगी? आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद है, इसीलिए उनको टिकट दिया है।
आम आदमी पार्टी को उम्मीद नहीं होती तो टिकट क्यों देते। आम आदमी पार्टी ने उनका सारा बैकग्राउंड देख के और उनका परिवार का भी देख के और जनता की आवाज़ सुन के तब उनको टिकट दिया है। जी, 15 सालों से जो है बीजेपी एमसीडी पर है, मतलब एमसीडी पर राज कर रही है एक तरीके से। जनता का कहना है कि इस बार जो है परिवर्तन होना चाहिए, तो क्या लगता है कि इस बार जो है पूर्ण बहुमत से एमसीडी उतरेगी एमसीडी चुनाव में और जीतेगी? पूर्ण बहुमत से जीतेगी। आप लोगों ने भी अपना सर्वे किया होगा तो एक तरफा एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ रही है, खुशी की बात है, खुशी की लहर है। जनता के मन में बहुत आक्रोश है कि बीजेपी ने 15 साल में एमसीडी का जो भ्रष्टाचार काटा और कूड़े के पहाड़ और सफाई व्यवस्था को जो बिल्कुल बेकार करके रखा, उसके खिलाफ इस बार जनता एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट करेगी। अगर मैं बात करूँ तो हमेशा देखा जाता है कि बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती रहती है प्रदूषण को लेकर, यमुना की सफाई को लेकर, और अब जो एमसीडी चुनाव आ रहे हैं और अक्सर एमसीडी में देखा जाता है कि सैलरी नहीं मिल रही है, बहुत सारी समस्याएं होती है, तो क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उन समस्याओं का खात्मा होगा? क्या वो चीजें खत्म हो जाएंगी? देखो, ये चीजें जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ जाएगी तब ये सारी चीजों का समाधान कर दिया जाएगा, क्योंकि जो वो दोष मढ़ते हैं ना, उनकी आदत है, करना है नहीं उन्हें कुछ तो उन्हें दोष मढ़ने की आदतें हैं, वो सारी चीज़ें उनकी चलती रहेगी। लेकिन एमसीडी में आम आदमी पार्टी आके ये जो सैलरी की समस्या है और जो भी समस्या है जो एमसीडी से रिलेटेड है सारी हम खत्म करेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर जो समर्थक आए हैं उनका यही कहना है कि इस बार जो है एमसीडी में आपकी सरकार बनेगी। सरकार किसकी चाह रहे हैं इस बार आप लोग? हम आम आदमी पार्टी की सरकार चाह रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सभी के लिए जो है मोहल्ला क्लिनिक, सफाई व्यवस्था, 700 लीटर पानी फ्री, बिजली का भी बहुत अच्छा सुविधा, 200 यूनिट सबके लिए फ्री में है, और काफ़ी जो है दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हर जगह काम किया है। और अपोजिशन पार्टी जो है आम आदमी पार्टी के जो खिलाफ हैं वो सब जो है झूठे आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी ने जो आम जनता के लिए काम किया है आज तक दिल्ली में किसी पार्टी ने काम नहीं किया। किसकी सरकार बन रही है, किसकी लहरें हैं नरेला के अंदर? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में साथ और भी कई लोग हैं, किसकी सरकार इस बार बनेगी पूर्ण बहुमत से एमसीडी में? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। अगर आपने सुना है कि लोग यही कह रहे हैं किसकी सरकार, तो आम आदमी पार्टी की सरकार। यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं समर्थन देने के लिए, उनका यही कहना है कि इस बार जो है केजरीवाल सरकार को एक मौका मिले और एमसीडी में अपनी सरकार बनाए। अमन खत्री को सफल बनाए और नई ऊर्जा नई सोच के साथ आई है आप सभी कामों को आगे बढ़ाने के लिए, आप सभी के विकास के लिए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, सवेता कमल खत्री को अपना कीमती वोट देकर चारू को सफल बनाए। बहुत बढ़िया जी। पूरा भ्रष्टाचार कर रखे थे बीजेपी ने। भ्रष्टाचार है, कुछ भी निगरानी करा के सर्वे काम किया, भ्रष्टाचार किया है जो कोई ना। अभी एक मिनट लगेगी। तो आप लोग झाड़ू के समर्थन में? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा इंटर प्रथा को हमें खत्म करना है। इंटर प्रथा जो चली है गरीबों को मकान का, 15 साल से बीजेपी कर रही है, इसको हमें खत्म करना है। आज हमें केजरीवाल जी ने जो दिए हैं झाड़ू जी साहब, ये लक्ष्मी है, धनतेरस के दिन लक्ष्मी को झाड़ू को हम लोग पूजा करते हैं, खरीदते हैं, ये लक्ष्मी है। अब मैं सबसे निवेदन करता हूँ वार्ड नंबर 1 से सविता कमल खत्री को विजयी बनाए। झाड़ू का निशान आपने याद रखे, झाड़ू हमारा निशान है,
और झाड़ू को निशान पर वोट देना है आपको सारे भाइयों और बहनों का। ये सोचा नहीं है मेरे साथ इस वक्त जो है हमारी पार्टी से जो उम्मीदवार खड़ी है वार्ड 1 से नरेला से श्वेता खत्री, उनसे बातचीत करके कितनी खुशी हो रही है। बता दूं पार्टी में हम लड़के के लिए पहले आप सभी को नमस्कार। तो खुशी हो रही है क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं जो जीत से अब तक नहीं कर पाए। सबसे पहले ये कदम करें और ये जो नरेला में इतनी गंदगी है इसे साफ सुथरा बनाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। आपने हमें मौका दिया, हम आपके उम्मीदों पर खड़ा होंगे। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो वार्ड 1 में बहुत बाला जो है श्वेता खत्री का है, यहाँ पर मेरे साथ महिलाएं हैं। इसकी सरकार इस बार श्वेता खत्री को हम लोग जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।